दूसरा दिन हम जब नहा रहे थे तो फिर हम देख रहे हैं कि आवाज आ रहा है बाहर से बहुत, मतलब मेरा तो स्पीकर साथ में ही रहता है, गाने ही बज रहे हैं, पर हम देखिए आवाज आ रहा है तो क्लियर आवाज नहीं आ रहा था क्या क्या। फिर अगला कोई मस्ती कर रहा होगा, टीममेट्स होंगे अभी मिले, बकचोदी तो काटते ही सब। फिर हम देखे नहीं, यहाँ पे चल रहा है क्लैश, क्लैश ऑफ मेडल वर्सेस आईजी। तो फिर मेरे टीममेट्स आए रूम में कि हम पूछे फिर क्या सीन, तो फिर पता चला ये टॉप डॉग था, उसके साथ एक और कोई बंदा था, वो कैमरा खोला हुआ था शायद से, वो ऐसे गया आईजी वालों के सामने और फिर बोलने लगा हैकर 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 कि हैक करके आ गए, ऐसा वैसा कुछ कुछ बोला होगा वो, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। फिर वो प्लेयर्स में से तो कोई नहीं, पर ये उसका शायद कोई भाई आया हुआ था आईजी कहीं कोई बंदा का, उसको धक्का मार दिया। तो फिर ये तो एकदम हमको लगा कि अब होगा बस लफड़ा, तो फिर यहाँ पे सारे वो ग्रुपिंग करने लगे कि इनको तो भरना है ऐसा वैसा। फिर एक क्राफ्ट मीटिंग कराया नीचे, एक एक करके सारी टीम्स को बोला कि देखो भाइयों थोड़ा यहाँ पे तमीज से रहो, टूर्नामेंट खेलना है वो टूर्नामेंट खेल के जाओ। फिर हम लोगों को बताया कि कैसे क्या करना है, तो फिर मेडल वाला का तो 1 घंटा क्लास चला है वहां पे, पता नहीं क्या बात हुआ, फिर ऐसे ही वो खत्म हो गया। हम चाह रहे थे कि और आगे हो लफड़ा, पर वो खत्म हो गया वहीं पे। बट प्लस वन टू टॉप डॉग प्लस वन। बट अब जो हो गया तो हो गया, आगे वाला टूर्नामेंट अभी पता नहीं क्या होगा, इन लोग कह तो रहे थे इंडिया वर्सेस मंगोलिया होगा, पर उसका भी अभी कंफर्मेशन नहीं, अगर होता तो ये लोग अनाउंस कर दिए होते, पर हमको लगता है कि हाँ एक और ऑफिशियल होगा दिसंबर में मोस्टली, जहां तक हम सुने रूमर थी कह लो, कोई कहता है होगा कोई कहता है नहीं होगा। सुना हूँ कि दिसंबर में लोग रोड मैप अनाउंस करेंगे, पर वो तो हर साल ऐसा बोलते ही रोड मैप रोड मैप, पर अगर रोड मैप अनाउंस कर दे तो बहुत अच्छा होगा, सब लोग फिर बाहर के जितने और है वो भी देखेंगे रोड मैप के हिसाब से, वो लोग भी एंटर करेंगे, तो मेरे को लगता है कि रोड मैप अनाउंस करना चाहिए। पर वो ये भी बहुत अनसर्टेन है, इनका पहला प्रायोरिटी है गेम को रखना बीजीएमआई, ये भी मैंने इंटरव्यूज में अपना दिया था और मैंने सुना भी कि पहला प्रायोरिटी अभी क्राफ्टन का यही है कि पहले गेम हो इंडिया में, उसके बाद फिर ग्लोबल का वो देखेंगे, पहले गेम सिक्योर कर रहे हैं, गॉड क्यू टारगेट किया ऐसा जो समझे जो अभी लिख रही है, क्यू टारगेट किया ऑलवेज टारगेट टारगेट मुक छूती है से। अच्छा सौम्यराज क्या लगता है लियो सही बोल, अरे हाँ पीएस लियो मेरे लिए भी स्टोरी डाल रहा था शायद से कि सौम्यराज ने भी हैक किया है और पुकार ने भी हैक किया। हाँ, लियो भाई देखो पीएमसीओ चल रहा था 2020, उसमें हमारा क्या टीम का फ्यूचर स्टेशन, तो उसमें 32 टीम्स थी जिसमें से 8-9 हैकर थी, दोनों सबको बाहर कर दिया पर लकीली हम बच गए। फिर मैंने मेरा उसमें 27 किल था, कितना मैच में 12 मैच था शायद से, उसमें 12 था कि 18 था, 18 ही था शायद से, 18 मैच था, मैंने ऐसा वो एमबॉट लगाया, मैंने तो 27 किल मारे और पुकार का 7 किल था, तो फिर अब दोनों तो एमबॉट नहीं लगा सकते, तो पुकार ने ऑन कर दिया ईएसपी, फिर हम लोग दोनों मिलके कोऑर्डिनेट करके हम लोग #2 आ गए उसमें, और हम लोग का फिर वहां से ईस्पोर्ट जर्नी शुरू हो गया। एकदम सही हो लियो भाई, बहुत अब 100 मार्क्स। ये लियो आया था क्या लाइन पे, वो एसटी का डेमन भी आया था, वो पीएमसीओ वाला ही जो कि हैक करते हुए पकड़ा गया था, और अभी लेट्स ग्रो का भी हम स्टोरी देखेगी, वो लोग बैन कर दिए उसके और उसको टीममेट्स को, पर पता नहीं यार क्राफ्टन को ऐसा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही करना चाहिए था। हाँ वो इमेज के लिए सही नहीं है, पर मेरे को तब भी लगता है कि एक इम्पैक्ट तो क्रिएट होता है, उसे लेट्स ग्रो स्टोरी डाल देगा उसे क्या होगा। अभी स्टोरी जो लग रहा था फाइनल्स के टाइम पे था कि हैकर 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 जो भी कि सबको साथ में आना चाहिए, तो लोग पहले से साथ में क्यों नहीं आए, जो भी स्टोरी लगा रहा था जब एक बार वो हिट कर गया कि भाई हैकर अपना गेम खराब कर रहे हैं, जब हम लोग बाहर हो गए, हम भी ऐसे पहले हो चुके इससे एक बार बाहर हैकर की वजह से, पर फिर क्या फायदा होगा इतना लेट स्टोरी लगा के, अगर स्टेप अप करना था तो पहले ही कर देते हैं। देखो सबका दिमाग में यही डर रहता है कि हम स्टोरी लगा देंगे, क्राफ्टन का पता नहीं क्या रिस्पॉन्स रहेगा, और फिर अगर वो हैकर सेम ग्रुप रहेगा, हम सिंपल बता रहे यही हम अपना ही माइंडसेट और बाकियों का ही बता रहे हैं कि भाई वो डर रहता ही हैकर से। वो देखो लास्ट में टीम एक्सपायर को टारगेट करने गए ना, पर देखो ये एक्सपायर का पहला बंदा लॉस हुआ था, वो तब भी पूरा मार दी और एक अच्छा सा विक्ट्री
क्लेम किए, तो ये तो बॉस मोमेंट हो गया उनका। पर ये जो स्टोरीज का बात है वो सब चीज पहले करना चाहिए था। और हाँ, हम तो रेडी है इसमें करने, हेल्प करने के लिए। बाकी भी स्टोरी लगा रहते हैं, पर उस टाइम कोई रेडी नहीं होता है। जब टाइम आता है स्टार्ट में, जब कोई बाहर होता है, तभी उसको याद आता है कि हाँ भाई, कम्युनिटी यूनिटी। अगर सब लोग पहले से ही इनिशिएटिव लेना शुरू करें कि भाई देखो, ऐसा ऐसा सीन है, हैकर है, आप उसको बार बार इन्वाइट दिए जा रहे हो। पीएमसीओ के टाइम पे कैसे सब लोग साथ में आए थे, और फिर बाहर हुआ था आकर टीम, हम लोग खेलेंगे ही नहीं अगर ये हैकर रहेंगे तो। ये चीज अगर पहले कर देते, अगर इतना बॉल्स रहता पहले सब में, तो अभी और फेयर चांस मिलता। अभी नहीं पता कितनी हैकर टीम गई है, लगता है 3-4 तो थी ये लैन पे, या 2-3, मेरे को पता नहीं, परफॉर्मेंस ही सब दिख जाता है उनका। पर ये चीज अगर पहले होता, यूनिटी का जो बात करते हैं सर, तो पहले क्यों नहीं किया? जब एक बार हिट किया, बाहर हो गए, तब क्यों किया? करके क्या फायदा मिला बताओ? स्टोरी लगा के टैग किए जा रहे जो खेल रहे, वो भी उल्टा क्राफ्टर आके बोल रहे स्टोरी जो जो लगाए डिलीट करो। तो लगाया नहीं भाई, ये सब क्या छुतिया पाया है? अब आ गए लैंड थोड़ी ना भी घर भेजेंगे और फिर नया टीम एडिशन करेंगे, क्या फायदा हुआ? तो सीन क्या था ना कि हम लोग इतने सारे मेजर सॉलिफाई कर रहे थे मैक के साथ, और मतलब इस टीम के साथ, अकेले मैक का कुछ नहीं बोल रहा, बट सीन क्या है ना कि मतलब हम लोग सिर्फ बेयर मिनिमम रिजल्ट्स ला पा रहे थे इस रोस्टर से। क्वालिफाई तो कर रहे थे, नो डाउट, हर जगह क्वालिफाई कर रहे थे, सब कर रहे थे, पर वो फाइनल्स में आके ना जो रिजल्ट्स अपने को चाहिए वो नहीं आ पा रहे थे। हर इवेंट पे देखा हमने, देखा तो फिर अपन ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि भाई कुछ और ट्राई करके देखते हैं। यार कौन कौन छोड़ रहा है? कोई छोड़ नहीं रहा भाई, आदित्य और माइटी अभी भी साथ में मेरे। ट्राई निंजा भाई, भाई निंजा भाई इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, एंड ही इज गोइंग टू जॉइन विद वन ऑफ द बेस्ट आईजीएल्स ऑफ इंडिया। सो मैंने सोचा कि मैं कोई अपने भाई की टीम में ही जाऊंगा, कि मैं एटलीस्ट वहाँ कंफर्टेबल रहूं और मैं उनके साथ रहूं। तो पहले तो आपका सब्सक्राइब ठोको 705K, बीच बाद में थोड़ा पंप हो गया, तो आपका सब्सक्राइब ठोको। फिर उसके बाद मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन से बात की, इवन आई टॉक टू शैडो एंड मैंने लाला से भी बात किया, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि तू आ जा हमारी टीम में, तू हमारे CEO से, ओनर से बात कर ले, ठीक है? तो मैंने दोनों के ओनर से बात किया, दोनों के CEO से बात किया, मैनेजर से बात किया, तो उनको भी चाहिए कि मैं आऊँ उनके टीम में, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बस उन लोग ने पूछा आपको कितना क्या चाहिए सैलरी एंड ऑल, जो ऑब्वियसली कोट करना पड़ता है कि वो उनके बजट में आ रहा है कि नहीं, तो वो चीज़ की बात हुई। तो वशिष्ठा है जो, वो लाइक दे आर रेडी, दे आर लाइक भाई तुम कल आ जाओ, अपन करते स्टार्ट, सीधी बात। एंड GT का ऐसा सीन है कि वो मुझे बताएंगे कि क्या उनका है, जो भी है बजट एंड ऑल कैसा होता है, क्योंकि लाला को भी अभी तक टीम नहीं मिली है, ठीक है? लाला भी अभी टीम ढूंढ रहा है, क्योंकि यू नो स्किप्स चला गया है, तो लाला भी खुद की टीम बना रहा है। तो ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट है वो फर्स्ट प्रेफरेंस प्लेइंग 4 को देती है, देन अ फिफ्थ प्लेयर, तो मैं रहूँगा एज अ फिफ्थ, समझ रहे हो? तो वो प्रेफरेंस देगी फोर्थ प्लेयर को, तो उनका ऐसा है कि फोर्थ प्लेयर अमित प्लेइंग 4 होने दो, लाला टीम बना रहा है, जैसे टीम बन जाएगी तो जैसा जो हो रहा है, जैसा बजट है, समझ रहे हो, उसमें कर देंगे वो। तो वशिष्ठा इज लाइक कि तुम आ जाओ, कि आ जाओ, शैडो रेडी है, शैडो खुश है, शैडो बोल रहा भाई आ जा, लाला भी चिल है, अपने भाई है यार, वो तो खुश ही रहेंगे कि साथ में नहीं आएगा, और मुझे उनका कुछ खराब नहीं करना, ठीक है? मुझे नीचे उनका मैं कुछ खराब करूँ तो प्लेइंग फोर वो ही रहेंगे। मैंने सीधा बात करी है कि भाई प्लेइंग फोर वो ही रहेंगे, ठीक है? मैं इतने टाइम से नहीं खेला हूँ, थोड़ा थोड़ा खेल रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट वो जो लेवल है वो अभी कैचअप करने मुझे महीने लग जाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है? तो मुझे कॉम्पिटिटिव में रहना है, जब कोई रहेगा नहीं उनका तब मैं खेलूँगा, ठीक है? ये सीन है, जैसे अभी आई गेस गॉड है वैसे। तो सुनो तो चैट, हाँ तो सुनो तो, विद टाइम वो चीज़ विद टाइम होगा। तो जो वशिष्ठा के ओनर है उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप खेलते रहोगे और जब ऐसा परफॉर्मेंस आएगा, कोई ख़राब खेल रहा है, ऑब्वियसली आपको शफल करेंगे ना, शफल वफल होते रहेगा,
बाय।